क्वेश्चन नंबर 103 में क्या दिया, सम लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 1250 इन वन ईयर एंड टू 1458 इन थ्री ईयर एट सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर 5, 2/3 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 5, 2/3 के प्लेस पे 5, 2/5 years होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, t इक्वल टू जीरो पे यह क्या हुआ होगा, कुछ लिया होगा जो प्रिंसिपल है। क्वेश्चन में बोला है कि वन ईयर के एंड में t इक्वल टू वन में यह अमाउंट बन के हो गया है 1250। कैसे बना होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। फिर बोला है t इक्वल टू थ्री ईयर्स में यह हो गया है 1458। यहाँ कैसे आया होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किए होंगे, लेकिन दो साल में है तो दो बार मल्टीप्लाई किए होंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 1250 को हम जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से दो बार मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1458, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर कितना हो गया है 1458/1250, जिसको हम 729/25, मतलब कि 625, तो ये 27/25 का स्क्वायर हो गया। तो भाई मेरे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया है 27/25, मतलब कि अगर प्रिंसिपल में हमने 27/25 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा अमाउंट। इनिशियल प्रिंसिपल निकालना है, इसमें 27/25 से मल्टीप्लाई करके लाया गया है 1250, तो पी का वैल्यू हो गया है 1250 × 25/27। आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में, उसमें बोला है प्रिंसिपल तो यही है, रेट क्या है, रेट वही है। वही है का मतलब 2/25 रेट के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन हो गया है। टाइम कितना दिया है 25/27/5। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी, तो 1250 × 25/27 हो गया पी, आर हो गया है 2/25, टी का वैल्यू है 27/5 हो गया। तो चलिए देख लेते हैं, 27 से 27 चला गया, 25, 125, 10 बार में, तो कितना गया टोटल 500 रुपीज़। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।